Good morning students. In this video, we will study chapter 1 chemical reactions and equations of class 10. In this chapter, chemical reactions and equations, first of all, we have to understand that what are chemical reactions. So, chemical reactions, these are the processes in which new substances with new properties are formed. Matlab, chemical reactions, those reactions hoti hain, jinke andar do reactants milkar, या दो से ज़्यादा हमें एक प्रोडक्ट देते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी रिएक्टेंट से. फॉर एग्ज़ाम्पल सोरिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का खट्टा होना या ख़राब होना. कुकिंग ऑफ फूड मीन्स जब हमारा खाना बनकर तैयार हो जाता है वो एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि बने हुए खाने से हम वापस से रॉ मटेरियल नहीं ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे की चीज़ें जैसे आयरन नेल या फिर लोहे के कोई और आर्टिकल्स जिनके ऊपर हम एक रेड कलर की लेयर देखते हैं उसको बोलते हैं रस्ट. एंड दिस इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इज़ अ केमिकल रिएक्शन. नाउ लेट अस सी केमिकल लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम सम एक्टिविटीज़. फर्स्ट इज़ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम इज़ अ वाइट सिल्वरी सब्सटेंस. मैग्नीशियम जो होता है वो एक वाइट कलर का सिल्वर कलर का सब्सटेंस होता है और मैग्नीशियम रिबन या फिर मैग्नीशियम वायर की फॉर्म में हमें लेबोरेटरीज़ में अवेलेबल होता है. इसलिए हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है वो हमने मैग्नीशियम रिबन का यूज़ किया है. नाउ जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर एयर में बर्न करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है. क्लीनिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन शुड बी डन by rubbing with the sandpaper. And second thing is when it burns in air then it gives a dazzling white flame. Dazzling white flame is a white flame जो कि एक चमकदार लौ होती है जो हमें magnesium ribbon burn करने पर मिलेगी. Next is changes into white powder called magnesium oxide. यानी कि मैग्नीशियम रिबन एयर में बर्न करने के बाद हमें एक वाइट पाउडर देगा जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला है आफ्टर बर्निंग दैट इज़ आर प्रोडक्ट. नाउ फ्रॉम दिस एक्टिविटी द क्वेश्चन अराइजेज दैट वाई द मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. जैसा कि मैंने एक्टिविटी की स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में यही बताया है कि मैग्नीशियम रिबन को हम पहले क्लीन करते हैं. लेकिन हम उसे क्लीन क्यों करते हैं इसका रीज़न ये है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर पहले से एक प्रोटेक्टिव लेयर अवेलेबल होती है. प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की. मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी रहती है उसको रिमूव करने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है सैंडपेपर से जिससे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो रेडिली कम्बाइन हो जाए जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर के अंदर उसके साथ. एकदम बोलिए. द सेकेंड क्वेश्चन इज What happens when magnesium ribbon is burned in air? ये मैंने सबसे पहले भी आपको बताया है कि जब magnesium ribbon को burn करेंगे तो हमें एक dazzling white flame मिलेगी और second is कि हमें product मिलेगा magnesium oxide. Now, from this activity we can understand that the chemical reactions involve chemical changes. हमने previous classes में भी study किया है कि chemical changes और physical changes में difference होता है और वो क्या difference होता है कि जो physical changes होते हैं उनके अंदर कभी भी कोई new substance form नहीं होता, only state change होती है और chemical reaction के अंदर chemical changes के अंदर new substances form होते हैं. जैसे कि हमने इस एक्टिविटी में देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ सेकंड एक्टिविटी इज व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेड नाइट्रेट. जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अ येल्लो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड. हमें एक येल्लो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड आयोडाइड का. मतलब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट मिक्सिंग करने से पहले कलरलेस थे लेकिन मिक्स करने के बाद हमें क्या मिल गई एक येल्लो प्रेसिपिटेट. नाउ थर्ड इज व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा. जब हम लेट अस टेक अ कॉनिकल फ्लास्क. इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं और उसके अंदर हमने ऐड किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड.
जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ ऐड किया तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के हमें कुछ बबल्स दिखाई देंगे इस कॉनिकल फ्लास्क में। इट मीन्स जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। एंड सेकेंड इज जब हम कोई टेस्ट ट्यूब इसके साथ टच करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट ट्यूब राइजेस बिकॉज दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, हीट निकलती है। नेक्स्ट फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज वी कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख सकते हैं यानी कि जो हमें बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट जैसे हम देखते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर जब कैंडल बर्न कर रही होती है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर जैसा कि हमने इस एक्टिविटी में देखा था पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट को जब हमने ऐड किया तो वो पहले कलरलेस थे और उसके बाद हमें मिल गया उनसे येलो कलर। सो वी सी दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द कैरेक्टर दैट चेंज इन कलर इज हैपन इन द केमिकल रिएक्शन। थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। In the activity of zinc granules with dilute sulfuric acid, we see that the bubbles of the hydrogen gas are formed. So, we see that the evolution of gas takes place. Fourth is change in temperature. In the same activity, we observe that the temperature is changing. Formation of precipitate. Fifth one is formation of precipitate. In the activity potassium iodide solution at the precipitate at a yellow precipitate of lead iodide is formed. Now what is this precipitate? Precipitate is a solid product which separates out from the solution during the chemical reaction. ये एक solid product solid substance होता है, solid product होता है जो हमें as a result of reaction मिलता है। Now, next is chemical equations. Next topic is chemical equations. अब तक हमने जो देखा है वो chemical reaction है, लेकिन हम उस chemical reaction को अगर as it is लिखते हैं तो वो हमें बहुत ही एक long form देता है। इसलिए हम chemical reactions को in the form of chemical equations लिखते हैं। And we can say that the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of substances involved in it is called chemical equation. मतलब जो हमारी chemical reaction है अगर हम उसको symbols और formulae की help से एक equation में equation की form में लिखते हैं, short form में लिखते हैं तो उसे हम बोलेंगे chemical equation. For example, जब मैंने आपको पहले पढ़ाया activity में कि magnesium को हमने burn किया है in the presence of oxygen तो हमें क्या मिल गया, magnesium oxide. तो अगर मैं इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखूंगी तो मैं इसकी इसे या तो वर्ड फॉर्म में लिखूंगी या फिर मैं इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखूंगी। लेकिन जब मैं इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखती हूं तो मैं मैग्नीशियम का सिंबल दैट इज Mg, ऑक्सीजन का सिंबल दैट इज O2, ऑक्सीजन को हम हमेशा O2 की फॉर्म में लिखते हैं एंड द सिंबल फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। वी विल यूज these symbols. Now, chemical equations can be written in the form of word equation. In word equation, we will use magnesium, oxygen, and magnesium oxide. In this equation, here, magnesium and oxygen are reactants, and the magnesium oxide is product. So, chemical equations should be written in the form of symbols, as we have already seen. So, magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. So in this, magnesium and oxygen are reactants and magnesium oxide is product. Then what are reactants? The substances which combine or react. वो substances जो हमें combine होके product देंगे या फिर वो सब हम कह सकते हैं कि जो react करेंगे उनको हम बोलेंगे reactants.
एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन. जो न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे एक रिएक्शन के अंदर उनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स. जैसा कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है. रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड विद अ पॉजिटिव साइन, मीन्स प्लस साइन. जो रिएक्टेंट्स हमारे होंगे वो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे और उनके बीच में हमें प्लस साइन का यूज़ करेंगे. एंड द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन. और जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनको हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है विद अ प्लस साइन. अगर हमारे पास प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो हम प्लस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड. एंड द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द न्यू सब्सटेंस इज कम्प्लीटली चेंज. जो नेचर होगा और आइडेंटिटी होगी नए सब्सटेंस की वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अवेलेबल थे और उसके बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है. तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी आइडेंटिटी भी कम्प्लीटली चेंज हो गई है, क्योंकि वो एक अलग प्रोडक्ट है, एक अलग सब्सटेंस है और उसकी आइडेंटिटी भी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है. नाउ इन दिस रिएक्शन द एरो इज पॉइंटिंग towards right because the reactants are combined to give the products. जो हमारा एरो है उसको हमने लेफ़्ट टू राइट ही क्यों यूज़ किया है, उसका रीज़न ये है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो हमें मिलकर प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी कि हमारी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. क्योंकि जब तक हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिक्स नहीं करेंगे तो हमें MgO नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इस एरो का यूज़ किया है और इसको हमेशा पॉइंट करते हैं लेफ़्ट टू राइट. व्हेन वी राइट इक्वेशन लाइक दिस Mg+O2 फ्रॉम MgO, दिस इज़ अ रॉन्ग वे एंड इज़ इम्पॉसिबल टू गेट मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन. सो दिस इज़ अ रॉन्ग इक्वेशन. नाउ इन द इक्वेशंस वी नेवर यूज़ equal to sign because in the chemical reaction reactants and products have different nature. क्योंकि हमारे जो reactants हैं और products हैं उनका जो nature है वो completely different है, इसलिए हम equal to sign use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि equal to का मतलब होता है that both are completely and exact. So we never use a equal to sign. Now the next is skeletal equation. स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई बैलेंसिंग नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन. अब अनबैलेंस्ड का मतलब यहाँ क्या है, जैसे हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को बैलेंस करना है, यानी कि अगर हम कुछ सामान भी खरीदते हैं तो उसकी बैलेंसिंग के लिए हमें उसकी साइड में दूसरी साइड में इक्वल वेट रखना पड़ता है. यानी कि अगर हमें 1 kg शुगर और राइस कुछ ख़रीदना है तो हमें उसके लिए बैलेंसिंग वेट रखना पड़ेगा दूसरी साइड में, देन वी विल गेट दी 1 kg शुगर और 1 kg राइस. सो सेम थिंग इज़ प्रेजेंट हेयर. Unbalancing means here is that number of atoms on the LHS is not equals to the number of atoms on the RHS. Means that कि हमारे जो number of atoms होंगे right hand side में यानी कि reactants के और number of atoms on the right hand side जो कि product के atoms होंगे वो equal नहीं है, तो हम उस इक्वेशन को बोलेंगे कि वो एक स्केलेटल इक्वेशन है. ऑल्सो अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स ही इक्वल नहीं होंगे तो मास इज़ नॉट इक्वल ऑन द बोथ साइड्स, तो हमारा जो मास है वो इक्वल नहीं होगा दोनों साइड में. फॉर एग्जांपल एज वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ऑन द रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम इज 1, ऑक्सीजन इज 2. So here the total are 3 and on the right hand side magnesium is 1 and oxygen is 1. So total are 2. But we see that magnesium atom are balancing each other but the oxygen atoms are not balancing each other. Therefore this equation is a skeletal equation. So we see that oxygen atoms are not equal on both sides. So the above equation is a skeletal equation. That's all for today. So
Today we have discussed chemical reaction, characteristics of chemical reactions, chemical equations, and skeletal equations. Now, in our next video, we will study about balanced chemical equations, type of chemical reactions. There are different type of chemical reactions that we will discuss in our next video. Okay. So, thank you and have a nice day.